बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, ये जो क्रम हमने शुरू किया है, आपके सहयोग से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक समग्र अध्ययन इतिहास विषय का जो हमने आरंभ किया है, उसमें जितनी ही मेरी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता आपकी भागीदारी की भी है। इस उद्देश्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप बराबर के भागीदार होंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि ध्यानपूर्वक परिश्रम से मनोयोग पूर्वक अध्ययन करें, और जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या फिर पर्सनली मुझे जो जानते हैं, जिनके पास व्यक्तिगत मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 24/7 किसी भी समय और कभी भी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अभी तक हमने 5 पार्ट देखे हैं, 5 भागों में हमने पढ़ा है। सेकंड चैप्टर जो है हिस्ट्री का, 11th क्लास का, लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें मेसोपोटामिया पर आधारित पूरी सभ्यता, पूरी उनकी बसावट, पूरी उनकी संस्कृति, उनकी पूरी भौगोलिक दशाएं, इस सब हम अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में जब आगे बढ़े हम, तो हमने देखा शहरीकरण, उसका महत्व। अब हम जब देखने जा रहे हैं, वो ये देख रहे हैं शहरों में माल की आवाजाही। माल की आवाजाही का मतलब है व्यापार, कौन सी वस्तुएं वहां उपलब्ध थी, कौन सी नहीं थी, क्या बाहर से आता था, और उसके बदले में उन शहरों से क्या बाहर जाता था, इस सब का विश्लेषण हमें इस टॉपिक में करना है, जिसका नाम है शहर में माल की आवाजाही। तो हम पढ़ रहे हैं इतिहास कक्षा 11, पाठ 2 और पार्ट 6। ये सेकेंड चैप्टर का वीडियो सेक्शन जो पार्ट 6 है, ये है इसका नाम शहर में माल की आवाजाही, यानी जो मेसोपोटामियाई शहर है, मेसोपोटामिया सभ्यता के जो शहर है, उनमें वस्तुएं कैसे आती जाती थी और कौन सी वस्तुएं आती जाती थी। ठीक है, देखते हैं। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन, इनके खाद्य संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। यहाँ पर वहां के लोकल जो नेटिव्स हैं, वहां रहने वाले जो हैं क्षेत्रीय लोग, उनके लिए खाने की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, लेकिन खनिज संसाधनों का अभाव था। इस हिसाब से हम कहेंगे कि खाद्य संसाधनों के मामले में भले ही वह आत्मनिर्भर रहा हो, लेकिन खनिज संसाधनों के मामले में वह आत्मनिर्भर नहीं था, उसकी निर्भरता अपने पड़ोसियों पर थी। यानी इसमें आत्मनिर्भर और खनिज संसाधनों में खनिज संसाधनों के मामले में यह दूसरों पर निर्भर था, दूसरों पर निर्भर था। मेसोपोटामिया शहर जो है वो खनिज संसाधनों के मामले में दूसरों पर निर्भर है। दक्षिण के अधिकांश भागों में, यानी जो मेसोपोटामिया है, दक्षिण के अधिकांश भागों में जो मेसोपोटामिया शहर था, इसके दक्षिणी क्षेत्र के अधिकांश भागों में अवजार
औजार, मोहरे, मोहरे मतलब मुद्राएं, मोहरे मतलब मुद्राएं, और आभूषण बनाने के लिए, और आभूषण बनाने के लिए हम यही तो पढ़ रहे हैं कि माल की आवाजाही, कौन सी वस्तु यहाँ पर आती थी, कौन सी जाती थी। तो आने के क्रम में हम देख रहे हैं यहाँ पर खाद्य संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो यही यहाँ से जा सकता है, और आने के लिए क्या क्या है, ये सारी चीजें या इनका जो रॉ मटेरियल है वो आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी, के लिए कीमती पत्थरों की कमी थी, ठीक है। जो कीमती पत्थर होते थे जिनसे आभूषण बनते थे उनकी यहां पर कमी थी। यहां पर खजूर व पोपलर, पोपलर का पेड़ आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं कुछ ग्रामीण अंचल से जुड़े बच्चे जो होंगे वो देखे होंगे, एक गांव में पापलर का पेड़ होता है। पापलर का पेड़ ज्यादा मोटाई में नहीं होता, इतना ही होता है बस, वो काट लिया जाता है और बहुत तेजी से बढ़ने वाला होता है, खेतों के चारों तरफ लगाया जाता है। ये पतझड़ वाला है, ठंडी के मौसम में इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, उसके बाद फिर से पत्ते आते हैं इसमें। तो यहाँ पर खजूर और पोपलर के पेड़ों की पर्याप्त मात्रा थी, यानी कि खजूर जो था और यहाँ पर जो पोपलर था, इन दोनों की प्रचुरता थी। लेकिन ये जो पोपलर होता है इसकी लकड़ी खास उपयोगी नहीं होती, ठीक है। जैसे कुछ इमारती लकड़ियां होती हैं और कुछ गैर जरूरत की या कम महत्व की लकड़ियां होती हैं, जिसका प्रयोग आप बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। तो ये उनमें ऐसे आती थी कि जिनका आप कुछ ही समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए इनका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये टिकाऊ और मजबूत नहीं थी। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर औजार व गहने बनाने के लिए कोई भी धातु उपलब्ध नहीं है, ठीक। हमने देखा कि इस तरह से यहाँ पर आभूषण या औजार बनाने के लिए कोई भी धातु उपलब्ध नहीं है। ऐसे में संभव है कि लोग कौन से लोग, मेसोपोटामिया के लोग, तो लकड़ी, तांबा, लकड़ी जो इमारती लकड़ियां थी, जो कीमती लकड़ियां थी या मजबूत टिकाऊ लकड़ी होती थी, वो तांबा, चांदी सोना सीपी और विभिन्न प्रकार के और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की, ईरान व खाड़ी के देशों से
मंगाते थे। अब यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज करेगी, जब ये ईरान गणराज्य में है तो कैसे ईरान से मंगाते थे, तो उस समय इसकी अलग इकाई थी, इसकी अलग पहचान थी। ईरान में तो ये बाद में जुड़ा हुआ है, ईरान था एक अलग देश था, अलग उसकी स्थिति थी, वह इसका भाग नहीं था या ये उसका भाग नहीं था, ये अभी वर्तमान समय में मेसोपोटामिया शहर जो है वो ईरान का भाग हो गया है। पहले ये दोनों अलग अलग होते थे, तो इन क्षेत्रों से ये वस्तुएं मंगाई जाती थी। इसके बदले में इन वस्तुओं के बदले में मेसोपोटामिया के लोगों को इसके बदले में भी तो कुछ देना पड़ेगा, तो इसके बदले में ये कपड़ा भेड़ पालते थे, ऊन निकालते थे, कपड़ा बनाते थे, तो कपड़ा तथा कृषि जन्य उत्पाद देते थे, यानी कृषि से संबंधित जो उत्पाद होते थे वो ये इनको देते थे इन वस्तुओं को प्राप्त करने के बदले में। शिल्प व्यापार यानी जो कलाकृतियां हैं, कला जो कलाकार हैं, जो समय के हाथ से निर्मित करने वाले लोग हैं, कपड़े बनाने वाले लोग हैं, यानी ओवरऑल जो भी लोग वहां पर कार्य में लगे हुए हैं, श्रमिक लोग हैं, या किसी तरह के अपने हुनर से कोई अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई वस्तु बना रहे हैं, वो सारे लोग जो हैं तो शिल्प व्यापार और कुशल परिवहन भी शहरी विकास के लिए आवश्यक था। ठीक, हमने देखा कि ये वस्तुएं यहाँ नहीं है, वहां से मंगाई जा रही है, ये पूरी प्रक्रिया हमने देखी है। इसके बाद हम जब आगे बढ़े हैं तो हमने देखा है यह फाइनल हो गया है, ये कंफर्म हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि कौन सी वस्तु मंगाई जाती है, कौन सी भेजी जाती है, लेकिन ये कैसे मंगाई जाती है, कैसे भेजी जाती है, यानी परिवहन व्यवस्था क्या थी, इस पे हमको अब आगे बढ़ना है। यानी शहर में माल की आवाजाही के मूल बिंदु को हमको समझना है कि वो कैसे होता था, किन माध्यमों से होता था। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके आगे हम इसको देखते हैं कि माल की आवाजाही यानी परिवहन व्यवस्था जो थी वो कैसे थी। एक मिनट, बच्चों इतने टॉपिक से हमने ये समझा है कि कौन सी वस्तुएं आती थी, कौन सी जाती थी। अब इसके बाद हम जो देख रहे हैं, इसके आगे की जो प्रक्रिया है, इसमें हम परिवहन को थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से साधन और संसाधन है उस क्षेत्र में जिससे परिवहन सुनिश्चित होता था। अगर हम प्राचीन काल में परिवहन की बात करें कि परिवहन कैसे होता था, मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो संसाधन होते थे वो कौन से होते थे, तो हम पाएंगे कि जो पशु होते थे ये परिवहन का सबसे अच्छा साधन होते थे। कैसे? एक तो सीधे सीधे इसमें प्रयोग में लिया जाता था। सीधे कैसे? पीठ पर और दूसरा बैलगाड़ी आदि से, दो तरह से इनका प्रयोग किया जाता था पशुओं का। यानी भार ढोने के लिए जो संसाधन होते थे उसमें सबसे पहला संसाधन होता था पशु,
पशुओं से भार ढोया जाता था, तो उसमें कुछ कुछ सीधे पीठ पर सामान लाद के ढोया जाता था और कुछ से बैलगाड़ी के माध्यम से। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में, उसमें क्या है। तो इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि भार ढोने वाले पशुओं की पीठ पर होने वाले पशुओं की पीठ पर, जो भार ढोने वाले पशु होते थे उनकी पीठ पर तथा बैलगाड़ी में रखकर, तथा बैल बैलगाड़ी में रखकर अनाज या क्या ले जाते थे, अनाज या कोयला। कोयला भी कौन सा, काट कोयला यानी लकड़ी का कोयला भी होता था। इमली से बना हुआ कोयला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता था और सबसे ज्यादा इसकी मांग होती थी। तो ऐसे में पशुओं की पीठ पर लादकर तथा बैलगाड़ी से वहां पर उत्पादित अनाज और लकड़ी से तैयार किया गया कोयला, ये दोनों ले जाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये काम करना कठिन हो गया। कैसे, अब आप जब बैलगाड़ी से जाएंगे तो स्थल से जाएंगे, स्थल पर चोर लुटेरों का खतरा अधिक होता है, जब आप स्थल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, खतरे में जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास लोग होने चाहिए ताकि जब भी कोई औचक स्थिति बने, आपको कोई घेर ले या कोई ऐसी विषम परिस्थिति बने जिसका आप अकेले मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उस समय यह आपके साथ खड़े हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ रहा है। दूसरी बात, पशु है तो इनके साथ इनका चारा भी होना चाहिए। आप कहीं पर भी कोई सामान लेके जा रहे हैं, रास्ता 5 दिनों का है, तो 5 दिन से जाना 5 दिन और 5 दिन आना, तो ऐसे में अपने लिए 10 से 12 दिन का भोजन, कहीं पर रुकना पड़ जाए या कोई स्थिति हो जाए, फिर पशुओं के लिए 10-12 दिन का भोजन, यानी कि अगर आप 2 बैलगाड़ी सामान लेके जा रहे हैं तो 1 बैलगाड़ी और होनी चाहिए जो आपके खाने पीने का राशन लेके जाए। यही तो, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपका जो है, आपकी जो लागत है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर यही काम नदियों के माध्यम से किया जाए, जल परिवहन को अपनाया जाए, तो नाव को खाने के लिए चारे की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं लगना, हवाओं से आपकी नाव चलेगी, चप्पू से आपकी नाव चलेगी, आपको जो खाना है सिर्फ वही लगेगा। दूसरी बात, नदी मार्ग से आप ज्यादा सुरक्षित हैं, स्थल पर कोई भी कहीं पर भी झाड़ी में छिपा हुआ आपके ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन जल मार्ग में आपको दूर से ही आने वाले लोग दिख जाएंगे, यानी आप सतर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो यही कारण था कि धीरे धीरे पशुओं से जो ढुलाई होती थी, बैलगाड़ी से जो ढुलाई होती थी, वह कठिन होती गई और लोग जो है वो स्थल की जगह जल मार्ग को अधिक पसंद करने लगे, और इस प्रकार जल मार्ग सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया परिवहन का, ठीक। तो आपने देखा कि जो वस्तुएं बाहर से आती थी और यहां से जाती थी, वो पहले पशुओं के माध्यम से जाती रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो नावों से और नदियों के माध्यम से जल मार्ग से आने जाने लगी हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है कि पुराने मेसोपोटामिया की नहरें
जो परिवहन होता था इसमें सहयोग क्या करता था, कौन सहयोग करता था, तो जो नहरें होती थी, नहरें कैसी थी, जब नदियां निकलती थी तो नदियों से कई नाले निकलते थे, वो नाले जो होते थे उसके आसपास लोग जो बस जाते थे वो उनको नहरों की तरह इस्तेमाल करते थे। जैसे ये नदी निकली है और इससे यहाँ पर ऐसे ऐसे ये सब क्या है, इससे निकली हुई धाराएं हैं। यदि व्यक्ति यहाँ रहता है तो उसको यहाँ की यात्रा करनी है, ठीक, तो स्थल से जाएगा, मुसीबत होगी, पानी में नाव उतारी, ऐसे आया, नदी में आया, नदी में आने के बाद ऐसे निकल गया। साधन आसान है, स्थल मार्ग हो सकता है, यहाँ से आता हो, फिर यहाँ नदी पार करनी पड़ती हो, फिर ये नाला पार करना पड़ता हो, यहाँ आना पड़ता हो, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है स्थल का कोई मार्ग ही ना हो, उनसे संपर्क ही ना हो पाए, तो ऐसे में क्या होगा, आपका दायरा सीमित हो जाएगा। लेकिन जब आप हर परिवहन के साधन को इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपका दायरा बढ़ जाता है। ये वह व्यापारी जिसके पास वायुयान की सुविधा भी है, पैदल की सुविधा भी है, रेल की भी सुविधा है और जल की भी सुविधा है, तो उसका व्यापार निश्चित ही बड़ा होगा, अपेक्षाकृत उनके जिनके संसाधन सीमित है। व्यापार हमेशा संसाधनों पर ही निर्भर होता है कि उसको बढ़ना है या घटना है। तो इस तरह से पुराने मेसोपोटामिया में जो नहरें थी तथा प्राकृतिक जलधाराएं थी, धाराएं थी, ये दोनों वस्तुओं के परिवहन में सबसे अधिक सहयोगी बनी, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मेसोपोटामिया के शहरों में माल की जो आवाजाही है वो जल मार्ग से अधिक होती है, किन वस्तुओं की होती है, खनिज संसाधनों से जुड़ी वस्तुओं की होती है, जिसके बदले में मेसोपोटामिया के शहर से खजूर और इसके साथ साथ खाद्य वस्तुएं जो है उनके साथ कपड़ा है और ये संसाधन यहाँ से कृषि जन्य उत्पाद होते हैं, कृषि से उत्पादित जैसे अनाज हो गया, वो खजूर हो गया, वो फिर कपड़ा, ये सारा जो है ये सब यहाँ से जाता है, निर्यात होता है, यहाँ पर खनिज संसाधन से जुड़ी वस्तुएं, धातुएं जो है वो सब आती है, इनका उससे अपना कार्य चलता है। यानी क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, बैलेंसिंग है, बैलेंस है, क्यों, क्योंकि ये वस्तु देते हैं और वस्तु के बदले में वस्तु लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये टॉपिक देखते हैं कैसे मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही होती थी और कैसे लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने पड़ोसी क्षेत्रों से करते थे और किन साधनों से आते जाते थे, ठीक। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे में आपको उत्तर में यही बताना होगा, इसके शहर में कौन सी वस्तुएं नहीं थी, कौन सी बाहर से आती थी और ये कौन से निर्यात करते थे, और उसके साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि निर्यात का तरीका क्या था, साधन कौन से, ठीक है बच्चों। इसके आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लेखन कला का विकास, यानी जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग आर्ट है, जो लेखन कला है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ और सबसे पहले उसका प्रयोग किसने आरंभ किया, उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए, रिवाइज कीजिए, अच्छे से ढंग से पढ़िए। थैंक यू।